आम जनता को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सलाह देने वाले भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया कोरोना के इस भीषण दौर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भूल गए। दरअसल दिल्ली से भोपाल पहुंचने पर बड़ी संख्या में चेहरा दिखाने और पद की चाहत लिए सिंधिया समर्थक ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और कोरोना नियम सिर्फ आम जनता के लिए बनकर रह गए हैं। नेताओं का कोरोना नियमों से कोई सरोकार नहीं है। सियासी उठापटक के बीच भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली से राजा भोज एयरपोर्ट पर जैसे ही पहुंचे, उनके समर्थकों ने सिंधिया का जमकर स्वागत किया। अब सिंधिया समर्थक हैं तो उनको सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की जरूरत भी नहीं है। स्वागत के दौरान कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। कोरोना में इस तरह की लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है, ये हमने कोरोना की दूसरी लहर में देखा है। अपना चेहरा दिखाने के लिए समर्थकों ने कोरोना गाइडलाइन को तोड़ने में कोई संकोच नहीं किया। सिंधिया समर्थकों की भीड़ देखकर लगा जैसे हम कोरोना की तीसरी लहर को खुला आमंत्रण दे रहे हैं। बहरहाल स्वागत सत्कार लेने के बाद सिंधिया एयरपोर्ट से सीधे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत एवं प्रदेश सह संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा से सौजन्य भेंट की। इस दौरान सिंधिया ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। शहर हमारा शहर है भाई, आगमन के आगमन तो कहा जाता है, अगर कोई बाहर से आ रहा हो, वह गेस्ट हो, तो आपका और हमारा शहर है। तो कांग्रेस सवाल हर चीज़ को उठाती है। आप कार्यसूची की बात कर रहे हो, कांग्रेस ने तो सवाल उठाया था देसी वैक्सीन पर, और आज वैक्सीन का प्रश्न कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस का चेहरा ही यही है कि हर एक सही चीज पर प्रश्न उठाना, और कांग्रेस को जवाब जनता ने दे दिया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।